कोरोना महामारी के बढ़ते रूप को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने शनिवार और रविवार को लॉकडाउन का आह्वान किया था, जिसका आज तीसरा चरण था, जिसके चलते आज जनपद फिरोजाबाद के रसूलपुर थाने पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें पुलिस कर्मियों द्वारा जो लोग अनावश्यक रूप से अपने वाहनों से सड़कों पर घूम रहे थे उनके चालान काटे गए। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लगाया गया था, आज उसका तीसरा चरण है, तीसरा लॉकडाउन है। और उसमें आप देख सकते हैं कि हम रसूलपुर चौराहे पर खड़े हुए हैं और जहां पर थाना रसूलपुर के वो सामने खड़े हुए हैं, जहां पर बिल्कुल चेकिंग अभियान चल रहा है। और आप देख सकते हैं कि लोगों के चालान काटे जा रहे हैं लॉकडाउन उल्लंघन को लेकर। जो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं या फिर जिनके चेहरे पर मास्क नहीं है, हेलमेट नहीं है या डबल सवारी है, उनके चालान प्रॉपर तरीके से किए जा रहे हैं। आप पीछे देख सकते हैं कितनी गाड़ियाँ रोक रखी हैं और दरोगा जी द्वारा यहाँ पर थाना इंचार्ज द्वारा बिल्कुल चालान पे चालान किए जा रहे हैं और रोका जा रहा है, कारण पूछा जा रहा है। लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चालान के लिए लोग भी खड़े हुए हैं, अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि क्योंकि ये इतनी सारी गाड़ियाँ आप पीछे मैं दिखाना चाहूँगा, ये सारी गाड़ियाँ जो हैं कि वो रोकी गई हैं और इनके जो चालान किए जा रहे हैं और लोग नहीं मान रहे हैं उसके बावजूद भी, क्योंकि लोगों को बार बार पुलिस प्रशासन के द्वारा भी समझाया जा रहा है कि मास्क का प्रयोग करें, लॉकडाउन का उल्लंघन ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन फिर भी एक एक गाड़ी में चार चार पाँच पाँच लोग सवार होकर जा रहे हैं। आइए देख सकते हैं, ये भैया बिना मास्क के यहाँ पर हैं, मास्क नहीं लगाए हुए हैं भैया, इनसे देख सकते हैं। क्या नाम भैया आपका? कब कब कराई एमआरआई कराई थी मैंने आगरा। देखिए पुलिसकर्मी से लगातार पूछ, जो पुलिसकर्मी है वो लगातार पुलिस उनसे राहगीरों से पूछताछ कर रहे हैं कि क्या नाम है और कहां जा रहे हैं, कोई आवश्यक कार्य है तभी उनको जाने दिया जा रहा है। आप पीछे देख सकते हैं कि गाड़ी पकड़ी गई है जिन पर अभी इन्होंने शायद मास्क भी नहीं लगा रखा है, इनके मास्क इन्होंने लगाया था उतार रखा है। और देखिए इनका आइडेंटिटी कार्ड, देखिए ये कहाँ का नगर निगम फिरोजाबाद आइडेंटिटी कार्ड है, इस पर नाम और सब कुछ बिगड़ चुका है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है इसमें, और मास्क और हेलमेट भी नहीं है इनके पास। तो कहीं ना कहीं लोग बिल्कुल अभी लॉकडाउन को लेकर सतर्क नहीं हैं, उनके कहीं ना कहीं ये भी अभी उसका लापरवाही चलती आ रही है। और ये देखने वाली बात है पुलिसकर्मी कब तक इन पर कार्रवाई करते रहेंगे, कब तक कितने चालान काटते रहेंगे। कैमरामैन शैलेश झा के साथ दिव्यांशु कुलश्रेष्ठ, SKH न्यूज़ फिरोजाबाद।